हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सऊदी अरब की बहुत अच्छी बड़ी कंपनी की रिक्वायरमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब की अरेबियन फल कंपनी की तरफ से। तो आप देख सकते हैं ये अरेबियन फल की वेबसाइट है। ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 1979 से स्टार्ट हुई थी। और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की कंपनी की कुछ इमेजेस। बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे लोग भारी मात्रा में जाते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं बाकी अदर कंट्रीज से भी काम करने के लिए। यहाँ पे वर्किंग आवर्स जो रहता है, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स का वर्किंग टाइम रहता है अगर आप अरेबियन फल कंपनी की वीज़ा पे जाते हो। ध्यान रखो कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू होते हैं जहाँ पे इंटरव्यू में तो लिखा रहता है कि अरेबियन फल होल्डिंग कंपनी आपकी हायरिंग कर रही है, ये कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए आ रही है। बट होता क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी हायर करती है जो आपको अरेबियन फल कंपनी में जॉब प्रोवाइड करेगी। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, अगर उसके थ्रू अगर आप जा रहे हो तो वर्किंग आवर्स 10 आवर्स का लेते हैं वो लोग, ओके। और अगर आप डायरेक्ट अरेबियन फल कंपनी में जा रहे हो तो आपका वर्किंग आवर्स 8 आवर्स का रहता है और ओवर टाइम का पैसा अलग से मिलता है। तो आपको ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप अरेबियन फल कंपनी में जा रहे हैं। तो ये 43 ईयर्स पुरानी कंपनी है, इनके पास एनर्जी सेक्टर में एक्सपीरियंस है, प्लस बहुत सारे सेक्टर में ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं किसके सेगमेंट में काम कर रही है। फैसिलिटी मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट मीन्स एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, जैसे मॉल्स हो गया या कोई ऑफिशियल बिल्डिंग हो गई, इस तरीके का। जनरल मेंटेनेंस है, देन सप्लायमेंट रिसोर्सेज, एयरक्राफ्ट फोल्डिंग है, ठीक है, HVAC मेंटेनेंस है, यूटिलिटी मैनेजमेंट, इस तरीके से बहुत सारी सेगमेंट में काम करती है। पाइपलाइन मेंटेनेंस में भी काम करती है, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में काम करती है। तो बहुत सारे सेगमेंट हैं। कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलमोस्ट हमेशा बनी रहती है, बिकॉज हमेशा इनके कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट आती रहती हैं, या जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है वो कंपनी स्विच करती है, या ड्यू टू एनी अदर रीज़न हमेशा यहाँ पे रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आप करियर सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे होम पेज पे भी सबसे डाउन में आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिया रहेगा, आप यहाँ के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मोबाइल नंबर, इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, क्लाइंट इस बार इंडिया आ रहा है इंटरव्यू लेने, तो आपको इस पे तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, बट इट मे टेक टाइम। सबसे अच्छा क्या होता है कि क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड करना। क्लाइंट इंटरव्यू अगर आप अटेंड करते हो तो क्लाइंट आपके सामने इंटरव्यू लेगा, फेस टू फेस आपका सिलेक्शन होगा, और उसी समय आपका ऑफर लेटर साइन होके आपको मिल जाता है। फ्लाइट कई बार 15 दिन के अंदर हो जाती है, कई बार 1 हफ्ते के अंदर फ्लाइट हो जाएगी, कई बार आपको फ्लाइट मिलेगी 1 महीने का भी टाइम लग जाता है। फ्रेशर कैंडिडेट अगर इंजीनियर जा रहा है तो उस केस में 2 से 3 महीना भी टाइम लग जाता है, बिकॉज आपको अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो HRD कराने होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपको सर्टिफाई कराने होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसेस रहता है, तो आपको टाइम भी लग सकता है। ये मैंने आपको बताई कुछ बेसिक जानकारी अरेबियन फल कंपनी के बारे में। यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहता है, बट सैलरी डिपेंड करती है अपॉन योर एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस पे ही सैलरी डिपेंड करती है, सैलरी आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। कई बार ऐसा होता है फ्रेशर कैंडिडेट होती हैं, उनको कंपनी 3,000, 4,000, 5,000 रियाल देती है 8 घंटे का, ओके। और कई बार एक्सपीरियंस कैंडिडेट को भी कंपनी 2,000, 2,500, 2,200 रियाल इस तरीके से प्रोवाइड करती है। तो ऐसा कहाँ गैप कहाँ जाता है, गैप आता है आपकी पर्सनैलिटी में, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ओके। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो वेल प्रिपेयर होके जाएं, ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो जबरदस्ती आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, आप अपना इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं, बट आपको कॉन्फिडेंस के साथ देना है। इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। प्लस अगर आप गल्फ रिटर्न है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे QA QC इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है, और QA QC इंजीनियर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों बैकग्राउंड के QA QC इंजीनियर यहाँ पे जा सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इनका, इनके पास हर एक सेगमेंट के लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये वैकेंसी ऐसी नहीं जहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, और इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके साथ साथ यहाँ पे जूनियर सिविल इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप जूनियर सिविल इंजीनियर की पोजीशन पे काम कर चुके हैं या अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस तो आप जूनियर सिविल इंजीनियर की पोजीशन पे यहाँ पे जा सकते हैं। और जूनियर सिविल इंजीनियर का मेनली जो यहाँ पे काम रहेगा वो ये रहेगा कि आपको करना होगा WPR मतलब वर्क परमिट रिसीवर। तो वर्क परमिट रिसीवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन होता है। यहाँ पे आपको जितने भी एम्प्लॉई काम करते हैं उनका जो परमिट होता है वो बनाना होता है, उनको सर्टिफाई करना होता है कि वो वर्क परमिट के लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं। इसका मतलब क्या होता है, वर्क परमिट रिसीवर का क्या मतलब होता है, मतलब आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी एम्प्लॉई है जो भी काम करने जा रहा है साइट पे उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस का, उसको हजार्डस जितने भी एपरेटस हैं, हजार्डस जो केमिकल्स हैं, हजार्डस जो एरियाज हैं उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, कि डूज एंड डोंट्स का पता होना चाहिए जिससे कि सेफ्टी मेंटेन हो सके साइट के ऊपर। तो WPR वर्क परमिट रिसीवर की पोजीशन पे जाना होगा जूनियर सिविल इंजीनियर को। फिर जूनियर सिविल इंजीनियर के साथ साथ में जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर प्लस जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी रिक्वायरमेंट है। तो आपको सबसे पहले अगर मान लो आप फ्रेशर हो या आपके पास 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस, आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, तो आप गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, वहां पे जाके आप पढ़ो कि जूनियर सिविल इंजीनियर या जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर या जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब वर्क परमिट रिसीवर बनाता है तो उसको किस किस चीज़ का ध्यान देना है। ओके, वर्क परमिट रिसीवर होता क्या है, वर्क परमिट रिसीवर किस किस फैक्टर को ध्यान देके बनाना है, तो इस थोड़ी सी सेफ्टी गाइडलाइंस को आप पढ़ लीजिए। और ये इंटरव्यू अगर आप देंगे जूनियर सिविल इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मैं दोबारा से बोलता हूँ, आपको डिटेल में पढ़ना है इंटरव्यू देने से पहले, जिससे कि इंटरव्यू में आप दिखा सको कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है। दिस इज जस्ट अ डॉक्यूमेंटेशन, बहुत इजी जॉब है, बहुत इजी टास्क है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास 6 महीने साल भर, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है और वो बाहर जाना चाहते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ अपने पास तक मत रखो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ शेयर करो, ताकि अगर कोई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, चाहे बीटेक या डिप्लोमा, तो वो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। अगली जो अच्छी पोजीशन है वो है प्लानर की। तो अगर इफ़ यू आर अ गुड प्लानर, अगर आप अच्छे प्लानर हैं, अगर आपको डेटाबेस मेंटेन करना आता है, अगर आपको लोगों को कमांड देना, उनसे काम कराना आता है, अगर आपको प्लानिंग करना आता है, तो आप प्लानर पोजीशन पे भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके पास एज अ प्लानर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस पोजीशन के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे 6G टेक एंड आर्क वेल्डर का भी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है। तो अगर आपके नोन में कोई 6G आर्क वेल्डर है, टेक वेल्डर है, तो आप उनको भी ये वीडियो सजेस्ट करें, ये जॉब अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करें। मैं आपको बता दूं कि ये इंटरव्यू मुंबई लोकेशन में होने वाला है और ये क्लाइंट इंटरव्यू है, 10 अगस्त को इंटरव्यू होने वाला है। तो आप ध्यान रहे कि ये इंटरव्यू मुंबई अनूपटेक रवाले में होने वाला है और डेट है 10 अगस्त, तो टाइम बहुत कम है। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बाद में जाना, पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनो जिससे आपको बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए, तब आप जाके एड्रेस लो और फिर आप जाके अप्लाई करो, मतलब एड्रेस पे पहुंचो और इंटरव्यू दो, ठीक है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगली पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल है वो है मैकेनिकल हेल्पर की, फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन की, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की, वर्क परमिट रिसीवर किसी भी बैकग्राउंड से हैं तो वो भी चलेंगे, स्क्रैप फोल्डिंग इंस्पेक्टर, स्क्रैप फोल्डिंग सुपरवाइजर, बूम टेक ऑपरेटर, बट बूम टेक ऑपरेटर के पास सऊदी का हैवी लाइसेंस होना चाहिए, फिर व्हीकल एंड इक्विपमेंट मैकेनिक, फोकलिफ्ट ऑपरेटर विद सऊदी लाइसेंस। देन अगली वैकेंसी है पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, 6G आर्क वेल्डर, स्प्रे पेंटर, मैकेनिस्ट और ऑटो इलेक्ट्रीशियन। तो ये यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन पोजीशंस पे अप्लाई करना चाहते हैं या आपके नोन में कोई भी है जो इन पोजीशंस पे काम कर रहा है या इन पोजीशंस पे काम करना चाहता है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी ग्रो कर सकें जिनको जॉब की नीड है, जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच पा रही है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ फॉलो भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डालें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकूं। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।